हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त परिवार एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। संयुक्त परिवार मीन्स जॉइंट फैमिली एंड इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन फीचर्स हैं, इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली क्या होता है? तो जॉइंट फैमिली आज के डेट में हमें गाँव में समुदाय में ज़्यादा देखने को मिलता है। मैक्सिमम वहीं पर हमें ये सब फैमिलीज देखने को मिलता है। ये जो जॉइंट फैमिली है तो इसमें कौन कौन मेंबर्स आते हैं? फादर, मदर, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, जो हमारे कजन सिस्टर्स ब्रदर्स हो गए, एंड छोटे बच्चे, ये सारे जॉइंट फैमिली के एग्जांपल हैं। जॉइंट फैमिली में जो किचन होता है वो एक ही होता है। एक ही किचन में सारे मेंबर्स के लिए खाना बनता है और सब एक ही साथ बैठकर एक ही जगह पे क्या करते हैं, खाते हैं। इनके घर में एक ही स्थान होता है पूजा के लिए, जहाँ पे सारे लोग पूजा पाठ करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, शाम की आरती साथ में करते हैं। और इसमें सभी लोग जो होते हैं, स्पेशली जो घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनकी बात सारे लोगों को मानना होता है। वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी सारे बातों को मानते हैं। यहाँ सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी की हेल्प भी करते हैं। यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं सभी मिलकर अपने से छोटे को क्या करते हैं, प्यार देते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं और सभी सदस्यों में मिलकर रहने की संस्कार दी जाती है। यहाँ सभी सदस्य एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं। किसी का भी दुख हो, तकलीफ़ हो, उसे दूर करने में जी जान लगा देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, बुरे टाइम में उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। बड़ों की सेवा छोटों के द्वारा की जाती है। ये सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। ऐसे बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने डिफिनेशन से डिफाइन किया है कि जॉइंट फैमिली एक्चुअली है क्या। इरावती कार्वे इनकी बात करें तो जो जॉइंट फैमिली है ना, हम उसे कहते हैं जिसमें व्यक्तियों का एक समूह होता है, यानी ग्रुप होता है जो एक ही छत के नीचे रहता है, जिसका एक ही रसोई घर हो यानी किचन हो, जिनका संपत्ति पर सामूहिक अधिकार हो, जो समान पूजा में भाग लेता है और रक्त द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, उसे ही संयुक्त परिवार हम कह सकते हैं। ये इरावती कार्वे इनका कहना है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे मेंबर्स एक ही घर में एक ही छत के नीचे साथ साथ प्यार से रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को प्यार करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए साथ में रहते हैं। एक ही किचन होता है, एक ही पूजा रूम होता है, उसी किचन से घर के सारे जितने भी मेंबर्स हैं सभी के लिए खाना बनता है, सभी एक ही साथ बैठ के खाते पीते हैं और प्रॉपर्टी भी सभी का इक्वल राइट्स होता है। तो ये इरावती कार्वे इनका कहना है। नेक्स्ट जो है डॉक्टर मेमोरिया, इनका क्या कहना है? तो इनके अकॉर्डिंग संयुक्त परिवार का मुख्य सिद्धांत 100 पिंड का बंधन है, जिनके बिना संयुक्त परिवार का निर्माण असंभव है, ऐसा डॉक्टर मेमोरिया इनका कहना है। डॉक्टर दुबे जो इंडियन विलेज के ऊपर काफ़ी रिसर्च किए हैं, जहाँ पे इन्हें बहुत सारे जॉइंट फैमिली देखने को मिला है, इनके अनुसार संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली वह परिवार होता है जिस परिवार में स्त्री के स्थान पे पुरुष की प्रधानता होती है, कई मूल परिवार को मिलाकर एक साथ रहता हो, आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता हो, जिसमें निकटता का संबंध हो और एक स्थान पर भोजन करता हो, उनके सम्मिलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जाता है डॉक्टर दुबे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है श्री देसाई, इनके अकॉर्डिंग क्या है जॉइंट फैमिली? इनके अनुसार नातेदारी पीढ़ियों की संख्या, संपत्ति और आयु के आधार पर संयुक्त परिवार को परिभाषित किया जा सकता है। देसाई को शब्दों में संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य सम्मिलित हो, उसका सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों के द्वारा संबंधित हो, इसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं, ऐसा देसाई का कहना है। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली, उसकी अब हम विशेषताएँ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है बड़ा आकार।
बड़ा आकार यानी कि देसाई जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनके अकॉर्डिंग बड़े आकार को संयुक्त परिवार का आधार नहीं माना इन्होंने। फिर भी अगर हम हिंदू जॉइंट फैमिली की बात करें तो इनके परंपरागत स्वरूप को देखें तो स्पष्ट होगा कि एक संयुक्त परिवार यानी कि एक जॉइंट फैमिली में फादर होते हैं, उनके बेटे और उसके पुत्र और इनसे संबंधित स्त्री और अन्य नाते रिश्तेदारों का समावेश होता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार का जो आकार है साधारणता क्या हो जाता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उसमें 3 जनरेशन मिनिमम एक का फैमिली के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट जो है डॉक्टर दुबे हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है ना कि इन्होंने अपने डिफिनेशन में जॉइंट फैमिली को डिफाइन किया था, उसे पता चलता है कि जो जॉइंट फैमिली उसे कहा जा सकता है जिसमें कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सहयोग व्यवस्था, जॉइंट फैमिली का जो आधार है ना वह सहयोग पर ही आधारित होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें एकाधिक सदस्य होते हैं, एक से अधिक सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और यदि वे आपस में सहयोग ना करें तो परिवार का संगठन ना व्यवस्था कायम ना रह सकेगा। इसी सहयोग का परिणाम यह होता है कि दूसरे प्रकार के परिवार जिन आर्थिक सामाजिक कार्यों को नहीं कर सकते, संयुक्त परिवार के लिए वे ही कार्य करना ईजी हो जाता है। सहयोग व्यवस्था एक इम्पॉर्टेंट व्यवस्था होता है जॉइंट फैमिली के लिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है सम्मिलित संपत्ति यानी कि जो कंबाइंड प्रॉपर्टी, इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में जो प्रॉपर्टी का जो उत्पादक है या प्रयोग है सामूहिक रूप से होता है, कंबाइंड रूप से होता है। परिवार की जो प्रॉपर्टी है उस पर सभी लोगों का सामूहिक स्वामित्व होता है, सभी का उस पर राइट्स होता है, कोई तेरा या मेरा वाला बात उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सामान्य वास, जॉइंट फैमिली में लोग अनेक पीढ़ियों तक क्या करते हैं, एक साथ साथ रहते हैं, जिसमें माता पिता, पुत्र और उनकी बहुएं, भाई भतीजे और उनकी वाइफ, फिर पोते और उनकी पोतियां, सभी संयुक्त होकर रहते हैं। तो ये सामान्य वास हो गया यानी सम्मिलित रूप से एक फैमिली में से वास करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सामान्य रसोई और सामान्य धार्मिक कृत्य, यानी जो उनका किचन होता है वो एक ही होता है एंड पूजा पाठ करने का भी स्थान एक ही होता है जहाँ पे सब सम्मिलित होकर पूजा पाठ करते हैं। जॉइंट फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबके सेपरेट किचन्स नहीं होते, एक ही किचन में वो कुकिंग करते हैं और उसके बाद सब कंबाइंड बैठ के खाना खाते हैं। और इसके अतिरिक्त सभी सदस्य का धार्मिक जो काम है समान होता है, एक ही मंदिर होता है उसी में सब साथ में पूजा पाठ अर्चना भजन कीर्तन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कर्ता का महत्व, यानी जो घर का जो मालिक है मुखिया है उसका काफ़ी जॉइंट फैमिली में इम्पॉर्टेंस होता है। जॉइंट फैमिली में कर्ता का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है, सर्वोपरि होता है, सर्वपरि होता है। कर्ता के नियंत्रण में ही परिवार के सभी सदस्य होते हैं, सारे कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए कर्ता का जॉइंट फैमिली में महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 7 नंबर सामान्य सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्य, जॉइंट फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं एक धर्म को मानते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं सबके अलग अलग धर्म नहीं होता है, एक ही धर्म है जिसको मानते हैं और उसी धर्म से रिलेटेड जितने भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ड्यूटीज़ है वो सम्मिलित होकर सब निभाते हैं। साथ ही प्रत्येक सामाजिक कर्तव्य के विषय में भी उनका एक सम्मिलित सहयोग होता है, योगदान रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी सामाजिक उत्सव है, फेस्टिवल है, त्यौहार है तो वे एक साथ मनाते हैं, जैसे विवाह आदि पारिवारिक संस्कारों के विषय में भी अपने को सम्मिलित रूप से उत्तरदायी समझते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है 8 नंबर एक उत्पादक इकाई, अगर ट्रेडिशनल बात करें हम तो ट्रेडिशनली देखेंगे के आधार पर जॉइंट फैमिली की एक और विशेषता यह है कि ये एक उत्पादक इकाई भी होता है, विशेषकर कृषि समाज जो एग्रीकल्चर करते हैं। वैसे सोसाइटी से अगर देखा जाए तो कृषि समाज के संबंध में बहुत ही सच है, वहाँ एक संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही या एकाधिक समान खेत को जोतते हैं, बोते हैं, फसल काटते हैं, एक साथ मिलकर ही फसल काटते हैं, इसलिए कहा जाता है एक उत्पादक इकाई। नेक्स्ट है
आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरंतरता जो ज्वाइंट फैमिली में देखने को मिलती है। तो गाइस ज्वाइंट फैमिली क्या है? तो ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार, जिसमें एक ही छत के नीचे तीन चार पीढ़ियाँ एक साथ रहती है, साथ साथ काम करती है, और उनका फैमिली का जो जितने भी मेंबर्स से बड़ा कार होता है, सभी में एक दूसरे को हेल्प करने का नेचर पाया जाता है। प्रॉपर्टी पर उनका कंबाइंड राइट्स होता है, सब लोग एक ही घर के एक ही छत के नीचे रहते हैं। जॉइंट फैमिली में एक ही किचन होता है जहाँ पे सभी मेंबर्स के लिए खाना बनता है और मिल बांट के लोग खाते हैं। उनका जो पूजा पाठ करने का जो मंदिर है वो भी एक ही होता है जहाँ पे सभी लोग मिलकर भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं। घर का जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसी के कंट्रोल में घर के सारे मेंबर्स होते हैं, इसलिए कर्ता का जॉइंट फैमिली में काफ़ी महत्व होता है। सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, सभी लोग मिल बांट कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरंतरता पाए जाते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।